सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। हाय, वेलकम टू आवर ह्यूमन कैलकुलेटर सीरीज। हम लोग यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन को जस्ट विद इन अ सेकेंड, इवन कुछ कुछ केसेस में विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। सुपर फास्ट कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप्स ऑफ कंपिटिटिव एग्जाम। तो फिर चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में यूट्यूब खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए, देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सके। आज हम लोग ह्यूमन कैलकुलेटर सीरीज का पार्ट वन में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर पहले छोटा छोटा जो नंबर है उसको लेकर स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स टू डिजिट वाला नंबर, देन थ्री डिजिट, फोर डिजिट, इस सब में जाएंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, देखिए अगर ये मेरा रहेगा 10 to the power x एंड अगर x का वैल्यू 1 होगा देन मेरा जो टोटल वैल्यू है वो आएगा 10। अगर x का वैल्यू मेरा 2 आएगा देन मेरा टोटल वैल्यू होगा 100 एंड अगर x का वैल्यू मेरा 3 आएगा देन मेरा टोटल वैल्यू होगा 1000। हम यहाँ पर ये 10, 100 एंड 1000 ये सब को बेस पकड़ के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये 14 एंड ये 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नियरेस्ट बेस कितना है 10, तो ये 14 पेन से तो बड़ा है तो कितना बड़ा है प्लस 4 बड़ा है एंड ये 13 कितना बड़ा है प्लस 3 बड़ा है। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे ये 4 एंड 3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होगा मेरा 12। 12 में 2 यहाँ पर रहेगा एंड 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सामने जाएगा एंड देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इससे ये प्लस कर देंगे या फिर इससे ये प्लस कर देंगे, तो इससे ये प्लस कर देंगे तो 17 एंड जो 1 है दैट मीन्स 18। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर खाली एक डिजिट को लिख रहे हैं एंड एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। देखिए इसका जो बेस हम लिए हैं ये बेस है 10, 10 मीन्स x इज इक्वल्स टू 1, इसलिए ये जो एरिया है ये जो घर है यहाँ पर ओनली एक डिजिट बैठेगा। जब हम लोग बेस को 100 लेंगे तब ये जगह में 2 डिजिट बैठेगा, अगर हम बेस को 1000 लेंगे तब मेरा ये जगह पर 3 डिजिट बैठेगा। तो भी चलिए धीरे धीरे आप लोगों को सब मालूम हो जाएगा, और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब और एक एग्जांपल लेंगे, अब हम लोग करेंगे 22 into 23। देखिए इसका जो नियरेस्ट बेस है ये क्या है, ये 20 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 को ऐसे करके लिखेंगे 2 into 10। अब 10 कर दिया मतलब हम लोग जो पहला वाला जो रूल फॉलो कर रहे थे ऐसे करके कर पाएंगे। तो फिर देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये 20 से कितना बड़ा है प्लस 2, ये कितना बड़ा है प्लस 3, हम लोग क्या करेंगे सब पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा मेरा 6। अब क्या करेंगे, इससे ये ऐड करेंगे, इससे ये ऐड करेंगे या फिर इससे ये ऐड करेंगे, तो दोनों में जो भी कर सकते हैं हम लोग, अगर करेंगे तो मेरा क्या होगा 25। लेकिन मेरा यहाँ पर बेस 20 लिए, 20 मीन्स 2 into 10, ये जो मेरा आया ये अप टू 10 तक आया, ये 10 इसको 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो मेरा कितना होगा, दिस इज 50 एंड ये जो 6 है यहाँ पर बैठ जाएगा, दिस इज माई आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 47 into 41, तो यहाँ पर बेस कितना लेंगे, बेस है मेरा 40, 40 मीन्स क्या है 4 into 10 एंड ये 40 से कितना बड़ा है प्लस 7, ये 40 से कितना बड़ा है प्लस 1, तब क्या करेंगे सबसे पहले ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कर देंगे, दैट मीन्स 7 into 1 दैट मीन्स 7, देन क्या करेंगे एडिशन, कोई भी एक तरफ कर सकते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं 41 + 7 दैट मीन्स 48। अब मेरा बेस कितना है
40, तो ये जो किया ये अप टू 10 तक किया, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसको 4 से कर देते हैं, 8 4 32, दैट मीन्स 2 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 4 16, 16 3 19, देन मेरा आंसर इज 1927, दिस इज माई फाइनल आंसर। देखिए आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लेंदी है, हम लोग तो नॉर्मली जो जैसे करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करेंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर केस ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम आप लोगों को अभी इनिशियली सिखा रहे हैं, सभी जो स्टेप्स है उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको विद इन अ सेकेंड ये सब हो जाएगा। ये तो छोड़ दीजिए, इससे बड़ा बड़ा जो डिजिट होगा, दैट मीन्स 3 डिजिट वाला जो नंबर होगा, 4 डिजिट वाला जो नंबर होगा, वो भी इजीली हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सीखने के बाद प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही इजीली, विद इन अ सेकेंड इसको कर पाएंगे। अब तक हम लोग जितना सब किए हैं उसमें बेस हम लोग 10 पकड़े थे, अब हम लोग बेस में 100 पकड़ेंगे एंड और भी जो बड़ा बड़ा नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 97 × 95 इसका, तो इसमें बेस कितना लेंगे हम लोग, बेस को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 100। देखिए 100 तो इसका नियरेस्ट बेस है, 100 से ये कितना बड़ा या छोटा है, 100 से ये -3 छोटा है एंड ये -5 छोटा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 × 3 करना पड़ेगा एंड क्या है और एक चीज़ यहाँ पर देखने का चीज़ है, 100 है दैट मीन्स 2 0 है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पर 2 डिजिट बैठेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 × 3 दैट मीन्स 15, यहाँ पर 15 कर देंगे एंड माइनस माइनस जो है वो तो प्लस हो जाएगा। देन क्या करेंगे, इसको इससे या फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, जो साइन यहाँ पर रहेगा वही ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो 95 - 3 दैट मीन्स 92, देन दिस इज माई फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 9215। देखिए ये कितना फास्ट हो रहा है, इतना बड़ा हम लोग जो मल्टीप्लीकेशन किया, जस्ट 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेगा अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो करने में। तो फिर चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल को कैसे लेंगे, यहाँ पर लेंगे 97 × 93। ये क्या है, बेस मेरा 100, 100 से कितना छोटा है, ये -3 छोटा है एंड ये कितना छोटा है, ये आपका -7 छोटा है। तब क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना होगा, यहाँ पर 2 डिजिट बैठेगा क्योंकि मेरा बेस है जो 100 है, इसलिए 2 डिजिट, 100 मीन्स 2 0 दैट मीन्स 2 डिजिट बैठेगा यहाँ पर, इसलिए 7 × 3 दैट मीन्स 21 एंड इसको क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, माइनस साइन है इसलिए माइनस करेंगे, 93 - 3 दैट मीन्स 90, सो दिस इज माई फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 9021। अब हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट वाला नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अभी तक हम लोग जितना किए थे उसमें 2 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट रहेगा, सोचिए दिस इज माई नंबर 103 एंड 106। क्या करेंगे, मेरा बेस कितना पकड़ेंगे इसको, नियरेस्ट बेस 100, अभी ये कितना बड़ा या छोटा है 100 से, +3, ये कितना है +6, देन क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 3 18 एंड देन ऑपरेशन करेंगे प्लस इधर या इधर, देन 109, दिस इज माई आंसर। और एक देखते हैं, और एक कितना करेंगे, सोचिए 107 × 105, क्या करेंगे +7 + 5 35 एंड ये दिस इज माई आंसर, है ना। देखिए कितना इजी कर दिया हम लोग, और भी इजी होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा। ये तो मेरा फाइनल आंसर निकल गया 1 1 2 3 5, दिस इज माई फाइनल आंसर, कितना जल्दी आया ये, अगर इसको नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर हम लोग अभी और एक बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, अब तक हम लोग जितना सब किए थे उसमें बेस मेरा कितना था 100, अब हम लोग बेस लेंगे 1000 को बेस लेंगे एंड जो मेरा नंबर होगा उसमें 4 डिजिट रहेगा, 4 डिजिट, सोचिए 1009, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1002, इतना बड़ा नंबर। तो देखिए मेरा बेस कितना है, बेस है 1000 दैट मीन्स एक्स कितना है 3, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा मेरा 3 डिजिट बैठेगा, अब ये 1000 से कितना बड़ा है +9, ये कितना बड़ा है +2, मेरा यहाँ पर 3 डिजिट 1 2 3, अब क्या करेंगे 9 2 18 18 बिठा देंगे,
अब यहाँ पर 3 डिजिट का जगह है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया ये मेरा 2 डिजिट का आया, तब क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे इधर या फिर इधर, कि कितना होगा मेरा 1011, दिस इज़ माई फाइनल आंसर। देखिए अब कैलकुलेशन कितना फास्ट हो रहा है, धीरे धीरे कितना फास्ट हो रहा है। सबसे पहले जब हम लोग किए थे तब 1 डिजिट का नंबर, देन 2, देन 3, अभी 4 डिजिट का नंबर एंड उसका मल्टीप्लीकेशन, इतना ईजी है, विद इन अ सेकेंड हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आगे भी हम इस तरह का बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। अभी तो जस्ट हम एक रूल के बारे में बताया, अभी तो बहुत सारा रूल है, सभी अगर बता देंगे तो आप देखिएगा आपका कितना हेल्प हो रहा है, बहुत हेल्प होगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपका कोई डाउट है या फिर भी कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पर जाइए एंड वहाँ पर कमेंट कर दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड उस हिसाब से डिस्कशन करेंगे, या फिर आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम और भी बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय।